नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आप सभी का स्वागत है। बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, जो कि आज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। पिछले कुछ समय में सोनीपत में वारदातों का सिलसिला काफी बढ़ गया है। बदमाश बेखौफ है और पब्लिक में खौफ है, प्रशासन सुस्त है। ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है कि दिन दहाड़े एक महिला और उसके बच्चे की बदमाश गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसमें एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए रोहतक में रेफर कर दिया गया है। पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। बहादुरगढ़ की रहने वाली रेनू, उसका 1.5 साल का बच्चा और उसकी सहेली मीनू एक अन्य व्यक्ति के साथ नीरज की रिज कार के अंदर, जिसका नंबर है DL2CAU4935, किराए पे करके बहादुरगढ़ से करनाल जेल में अपने पति सुंदरलाल से मिलने के लिए चली थी, जिसमें अपने व्हाट्सएप से किसी व्यक्ति को मैसेज किया था कि वह गांव भटगांव सोनीपत के पास रोड पर मिले। समय सुबह 8 बजे। जब यह गांव भटगांव के पास पहुंची, तो जिस व्यक्ति को रेनू ने अपने साथ लेना था, उसी ने गाड़ी रुकते ही रेनू, उसके लड़के और उसकी महिला दोस्त पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमलावर और उनके साथ व्यक्ति दोनों मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंचे DSP रविंदर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचते ही पाया गया कि 2 महिला और 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हैं, जिसे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। बच्चे और मां की तुरंत मौके पर मौत हो गई है। घायल महिला को रोहतक PGI में रेफर किया गया है। मामले की छानबीन जारी है। गोली मारने वाला व्यक्ति भटगांव सोनीपत का ही रहने वाला है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सोनीपत के DSP रविंद्र कुमार से। 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ना पता नामालूम व्यक्तियों ने किसी मीनू और रेनू नाम की युवतियों को गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो भटगांव गांव में वहां पे गाड़ी में 2 युवतियां और 1 बच्चे वहां पे जख्मी हालत में हमें मिले, जो कि वहां पे कथित रूप से ड्राइवर ने बताया है कि जो दोनों युवतियों का, एक का नाम रेनू और दूसरे का नाम मीनू बताया जा रहा है। मौके पे पुलिस पहुंचने के बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। उनमें से जो रेनू या अपनी युवती है, उसको PGI रोहतक रेफर कर दिया गया और मीनू और उसके बच्चे की यहाँ पे एक्सपायर हो गया। जो अब तक ड्राइवर के पूछताछ से हमारे सामने आया, खोलू नाम का व्यक्ति है जो कि भटगांव का रहने वाला है, उसने गोली मारी है। आगे की जाँच कारण क्या है? अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। महिलाएं कहां से कहां जा रही थी? ये बहादुरगढ़ से करनाल जा रही थी। जो इसमें रेनू नाम की जो युवती है, उसका हस्बैंड किसी केस में करनाल जेल में वहां पे कैद है। तो ये भोलू से इनका कोई कनेक्शन है सर? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। रेनू, उसके लड़के और उसकी सहेली मीनू को घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल सोनीपत में लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मीनू और रेनू के लड़के को मृत घोषित कर दिया है। रेनू को घायल अवस्था में रोहतक PGI में रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत काफी नाजुक है। मौके पर मौजूद चश्मदीद कार ड्राइवर नीरज ने बताया कि वह इनको लेकर करनाल जेल में मुलाकात के लिए जा रहा था। यहां पर एक व्यक्ति ने आकर तुरंत ही गोलियां मारनी शुरू कर दी। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं जानता, वह तो एक टैक्सी ड्राइवर है। आइए दोस्तों, बात करते हैं चश्मदीद कार ड्राइवर नीरज से। हम जाने लग रहे थे मुलाकात के लिए, लेकिन वहाँ से जाने से पहले जो जिन्होंने गाड़ी बुक कर रखी थी रेनू ने, उसने बोला कि पहले भटगांव से एक लड़की को लेना। तो हम भटगांव में गए ना, वहाँ पे उन्होंने बोला कि गांव के बाहर की तरफ खड़ा हूँ। तो बाहर की तरफ वहाँ पे पहुँचे और जिन्होंने फायर किया। कितने बंदे थे जिन्होंने फायर किया? वो एक ही दिखा था सर, और एक लड़का हमारे साथ और बैठ के आया था, वो नहीं दिखा, वो भी नहीं दिखा कहाँ आया, वो भाग गया, मुझे नहीं पता सर, उसी के साथ गया कहाँ गया। आप लोग कितने बंदे आए मैं सर? 2 लेडीज़ और 2 हम जेंट्स से, एक छोटा बच्चा था। जो उस जेंट्स का क्या नाम था? उसका नाम नहीं पता सर, मैंने पहली बार देखा है, वो उसको भाभी भाभी बोल रहा है। आप टैक्सी चलाते हो? हाँ जी, प्राइवेट नंबर है सर, इसको किराए पे चले जाता हूँ, कोई जानकार होता है तो उनके साथ जाता हूँ। तो अभी कितने बंदे घायल हुए? साहब ये तो मेरे को पता नहीं, अंदर साहब ये है तो वैसे चकवास की बताते हैं और ये रहती सकते हैं किराए। आपका नाम? दिन दहाड़े दी गई इस वारदात को अंजाम दिन दहाड़े दी गई इस वारदात के बाद क्षेत्र में खौफ का माहौल है। लोग यह सोचकर हैरान हैं कि आखिरकार पुलिस इन बदमाशों की
वारदातों पर कब अंकुश लगाएगी, या यूं ही ये वारदातें और इनका सिलसिला जारी रहेगा।